देखो यार, जो अब मैं बोलने वाला हूँ ना, उससे हो सकता है आपको बहुत बुरा लगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चों की नजर में ऐसा हो जाए यार सर को कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, हो सकता है कि मैं बुरा बन जाऊं आपकी नजरों में, पर ये बोलना मेरे लिए जरूरी है क्योंकि मेरे को ये साफ साफ दिख रहा है 90-95% जेई एस्पिरेंट जो जेई 2024 देने वाला है वो टाइम वेस्ट करता जा रहा है और बींग अ टीचर मेरी जिम्मेदारी ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंस कि तुम्हें कैसा लगे मैं सच्चाई आकर तुमको बता दूं। टाइम वेस्ट कैसे कर रहा है, इधर उधर चीजों को गाली देने में टाइम वेस्ट हो रहा है, इन्होंने ऐसा किया 27 जैन में ऐसा हुआ, 29 जैन में वैसा हुआ, ये हो गया वो हो गया, और रिजल्ट आए हुए ऑलरेडी कुछ दिन हमारे बीत गए और वो वेस्ट हो गए, ये आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है। देखो मेरी बात अब ध्यान से सुनना, क्या एनटीए ने गलत किया? बिल्कुल किया, बहुत सारे बच्चे 27 जैन 29 जैन में ज्यादा बैठ गए जो नहीं बैठने चाहिए थे। पुअर कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन की ये एक साफ साफ दिखती हुई एक तस्वीर है। क्या आपके साथ अनफेयर हुआ 27-29 जनवरी? शायद हुआ। क्या पेपर लेवल कांस्टेंट या थोड़ा बहुत ही वेरिएशन होना चाहिए? इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए जो 27 और 31 में हो गया, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। सारी गलती मान ली, सारी गलती है भी सही, पर तकलीफ यह है कि अगर जैसा आप चाहते हो कि भाई एग्जाम मान लो फिर से हो जाए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में, तो वो अप्रैल में होगा या मई में होगा, इससे पहले तो होगा नहीं। अब तो वैसे भी आपका अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, तो यार जितने भी बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी बच्चे अननेसेसरी की चीजों में टाइम लगा रहे हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, यार उनसे रिक्वेस्ट करने आया हूं, डांटने आया हूं, संभालने आया हूं, जैसा भी आप उसको मानो कि भैया आप रुक जाओ, हर दिन निकलता जा रहा है, अप्रैल अटेम्प्ट में लिमिटेड ही दिन है। क्या आपका जो मेरे को जो कमेंट्स में मैं पढ़ रहा हूं ना, बड़े डिसहार्टनिंग है यार, मैं इसलिए वीडियो आज मेरे को बनाना है कि सर हमें बहुत बुरा लग रहा है, हमने एक्सपेक्ट किया था कि इतने नंबर पर इतना आ जाएगा। यार तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, तुम्हारा डिसहार्टन होना बनता है, बुरा लगना बनता है, इधर उधर के थॉट्स आना बनता है, पर अब रुक जाओ यार, नहीं तो फिर बाद में रिग्रेट का बहुत एक पिटारा खड़ा हो जाएगा कि यार उस टाइम पर टाइम बचाकर पढ़ लेते। क्योंकि मोटी मोटी सच्चाई यह है कि अगर मान लो सब कुछ सही होता और तुम्हारे 200 नंबर आने पर 99 परसेंटाइल आ भी जाती, तो भी तुम अप्रैल अटेम्प्ट के लिए और जो तुम्हारा फाइनल एम है आईआईटी उसके लिए पढ़ते ना यार, वो तो कोई सिचुएशन चेंज ही नहीं हुई ना यार। क्या सेकेंड अटेम्प्ट अप्रैल में आएगा? आएगा। क्या जे एडवांस मई एंड में होगा? होगा। उसी सपने के लिए तो ड्रॉप लिया था, उसी सपने के लिए तो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसी सपने के लिए तो 12th के साथ आईआईटी फोड़ना है यार। तो यार आगे बढ़ने से पहले आपको एक कमेंट करना है, आपकी जो भी ड्रीम परसेंटाइल है, जो भी आईआईटी है, उसके पहले एक चीज लिखनी है कि आज से पढ़ाई शुरू दोबारा। ठीक है, इतना सा कर देना, आज से पढ़ाई शुरू कॉमा 99 point something परसेंटाइल जो भी टारगेट कर रहे हो अप्रैल में, कॉमा जो भी आईआईटी अब एडवांस में टारगेट कर रहे हो। एक बार आप ये चीज कर दोगे, जब आप कमिट में लिख देते हो तो आपको पता होता है यार मैंने कमिटमेंट कर लिया है। जब आप दोबारा से बहकोगे उससे पहले आपको एक वेकअप कॉल मिल जाएगा कि अब ये काम नहीं करना, अपनी पढ़ाई अपने को अपनी जारी रखनी है पूरी इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, तो यार 3 simple से points हैं आपके लिए जिससे हम 99 percentile और आईआईटी फोड़ रहे होंगे। सबसे पहले तो स्टॉप, जैसा कि मैंने आपको बोला, रुक जाओ, अब गहरी सांस लो। देखो यार बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग ईसरल हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज सुनाई दे रेलेवेंट मिनिस्ट्री तक, रेलेवेंट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी तक, या जिस भी तरीके से पहुंचा सकते हैं। हम हमारा काम करें और तुम इन सब में मत पढ़ो। ठीक है, पढ़ना भी है तो एक बार किसी चीज को कर दो यार, और फिर उसको छोड़ दो बैठे बैठे, वेट मत करो कि क्या हुआ, अपडेट्स मत चेक करो यार, कुछ नहीं होगा उससे, अब रुक जाओ और पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, अब कैसे करनी है, कितना मेंस पे फोकस करना है, कितना आईआईटी पे फोकस करना है, मतलब एडवांस पे फोकस करना है, बोर्ड कैसे करने हैं, ड्रॉपर को क्या करना है, इसकी बात भी करेंगे, पर सबसे पहले इधर उधर की चीजें करना बंद, पूरे डेडिकेशन फोकस के साथ पढ़ाई शुरू। यहां से मेरे को 2 तरीके समझ में आ रहे हैं बच्चों के जो पढ़ने वाले हैं, कुछ तो रिवेंज में पढ़ेंगे,
कि भाई साहब देख लेना, अब एनटीए को करके बताऊंगा और इसको करके बताऊंगा। सही है यार, तुम उसमें पढ़ सकते हो, उसमें पढ़ो कुछ मोटिवेशन के साथ, तुम वैसे पढ़ो। जनरली मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप अंदर से इंट्रिंसिकली सेल्फ मोटिवेटेड हो तो पढ़ाई बेटर होती है। रिवेंज वाली पढ़ाई थोड़े दिन में ठंडी पड़ जाती है। तो अभी शुरुआत वैसे कर लो जोश के साथ, धीरे धीरे उसको मोटिवेशन में कन्वर्ट कर लेना। मैं हाइपोथेटिकल बातें करता ही नहीं हूं कि यार तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हें ये नहीं होगा, भूल जाओ और ये कर दो और वो कर दो। नहीं होता ऐसे भाई, मेहनत हमने करी है, हमें पता है इतना बुरा लगता है इतनी मेहनत करने के बाद जब कुछ नहीं होता तो। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीसेट। रीसेट क्या है ये अब आप ध्यान से समझो। रीसेट हमको दो चीजों में करना है। पहला, हमारे बिलीफ सिस्टम में। बिलीफ सिस्टम मतलब क्या, 200 नंबर लाने पर 99 आ जाएगी, 220 पर आ जाएगी। अब सब तहस नहस हो चुका है, अब सिर्फ एक बात है कि हमको पेपर का लेवल देखकर उसको कर आना है जो हमारे से बेस्ट हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो रीसेट अपना है, पहला तो हो गया कि हमको अपने बिलीफ सिस्टम में चेंज करना है, और जो दूसरा रीसेट हमको करना है वो हमारे हमारी तैयारी में करना है, जो हम जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे यार अब आपको मैथ्स के अंदर, क्योंकि वो लगातार थोड़ी सी टफ लेवल पर आ रही है, एडवांस लेवल पर जाना पड़ेगा, ज्यादा सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। फिजिक्स के अंदर बहुत ब्रेथ कवर करनी पड़ेगी, आसान फिजिक्स आती है, बहुत सालों से आ रही है, तो मिनिमम बेयर मिनिमम हर चैप्टर को कवर कर फॉर्मूला अच्छी तरह से समझकर याद करना पड़ेगा। हाँ, हम मेंटली प्रिपेयर है वर्स्ट केस के लिए भी, कि फिजिक्स भी टफ आ सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, हम उसके लिए भी प्रिपेयर है। पर वो वाला केस कि यार एकदम फिजिक्स आसान आ जाएगी और हाँ हम 80 नंबर लेकर आएंगे, 85 90 नंबर लेकर आएंगे, हम इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर है। सेम फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एकदम हर बार ये मन मान के चले जाना कि आसानी आएगी, 31 जनवरी शिफ्ट 2 में थोड़ा सा रिलेटिवली टफर पेपर आया बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, या एक ही क्वेश्चन में चार अलग अलग ऑप्शन देखकर आपको वो मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन उन्होंने उसको बना दिया, तो टफनेस लेवल इंक्रीज हो गई, थोड़ी कैलकुलेशन इंक्रीज हो गई तो बढ़ गई, बाकी सारी शिफ्ट में नॉर्मल ही थी जैसी होती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी का एक एक रिएक्शन बहुत जरूरी है, केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मुलेज बहुत जरूरी है, केमिस्ट्री के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वालिटेटिवली बहुत जरूरी है, जीओसी जैसे चैप्टर्स बहुत जरूरी हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्डिंग वगैरह ये जरूरी हैं। ठीक है, दोनों तरह से अपनी प्रिपरेशन को रीसेट करना है। और फिर अब एक वो जो है ना, अपना जो मूड थोड़ा सा वैसा हो गया है कि हम थोड़े से उखड़े उखड़े हैं, या थोड़ा सा हमारे अंदर का अग्रेशन कम हो गया है, या थोड़ा हम उतनी इंटेंसिटी से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, अब अटैक मोड में आ जाओ। बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन करनी है तुम्हें अपनी पूरी जेई की जर्नी की, आज तक की, जितना तुम मैक्सिमम फोड़ सकते हो, जितने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ा सकते हो, 14 घंटे 15 घंटे उतने कर लो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यार मैंने मिरेकल्स को होते हुए देखा है, ऐसे ऐसे बच्चे कोई जिससे किसी को उम्मीद नहीं उनको 99 ऊपर जाते हुए आईआईटी क्रैक करते हुए देखा है। तो यार अपनी जिंदगी का बेस्ट देना है अब, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, उसी में मजा आएगा। ठीक है, तो यार अब अटैकिंग मोड अपना ऑन करना है। अब प्रिपरेशन किसको कैसी करनी है, अगर तुम 27 और 29 जनवरी शिफ्ट के बच्चे हो तो थोड़ा सा मार्क्स में, क्योंकि ज्यादा मार्क्स पर परसेंटाइल कम आया है, तो अगर तुम्हारे 160 प्लस आए हैं तो 50% मेंस पे फोकस कर लो, 50% एडवांस पे फोकस कर लो। 190 प्लस अगर तुम लेकर आए हो तो 100% एडवांस पे फोकस करो, थोड़ा बहुत मेंस के टेस्ट देते रहो, पर लास्ट के 20 दिन में अपन मेंस पर ज्यादा फोकस कर लेंगे। और अगर तुम्हारा 120 से कम है तो यार पूरा फोकस अभी अप्रैल पर ही कर लो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तुमने अभी तक एकदम एडवांस की तैयारी ही नहीं करी जीवन में, क्लास 12th में हो और तुम्हें अंदर से पता है यार कि तुम अभी आईआईटी में नहीं जा सकते, पर जाना टॉप 2000 की रैंक 3000 की रैंक के साथ आईआईटी में है, तो अपने दिल पर हाथ रख के ऑनेस्टली पूछ लेना कि क्या ड्रॉप का भी कोई ऑप्शन है क्या। ठीक है, वैसे तो देखो अगर तुम्हारे अभी बोर्ड के एग्जाम बचे हो तो अब बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाने दो,
पर जैसे बिहार बोर्ड के खत्म हो गए, बाकी सारे बोर्ड्स के धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो एक बार ये ऑप्शन भी बैक ऑफ द माइंड सोच लेना। पर अगर तुमने 2 साल या 1 साल प्रिपरेशन करी है, तुमको ऐसा लगता है तुम एडवांस लेवल पर कुछ ना कुछ लेवल पर प्रिपेयर्ड हो, तुमने स्टडी आवर्स पुट इन किए हैं, क्लासेस में तुम गए हो, तो इस बार के लिए अपनी पूरी ताकत से लग जाना। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? तो ये तीनों वालों बच्चों को समझ में आ गया। यही सेम चीज अगर हम 30 जैन, 31 जैन और 1 फेब के लिए बात करेंगे, तो 140 प्लस वाले बच्चे, क्योंकि इसमें कम नंबर पर ज्यादा परसेंटाइल आई, तो आप मेंस 50%, एडवांस 50% कर लो। 170 से ऊपर लेकर आए, फुल पूरे जोश के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ एडवांस पे लग जाओ, लास्ट के 20 दिन मेंस करेंगे। और अगर 110 से कम पे हो तो प्रॉपर फोकस अपना मेंस पर डालो। ठीक है, बात समझ में आई? मेन आज का मैसेज ये है यार, लग जाओ। ठीक है, तो जो मैंने बोला कि आपको कमेंट करना है कि बस अब मैं यहां से पढ़ाई शुरू करूंगा, उसके बाद अपनी टारगेट परसेंटाइल और टारगेट आईआईटी कमेंट करनी है, तो क्या कमेंट करने वाले हो? आज से पढ़ाई शुरू, कॉमा 99.9% कॉमा आईआईटी बॉम्बे, अगर तुम्हारा वो है तो ड्रीम, जो भी है, जो भी तुम ड्रीम कर रहे हो, जो भी तुम एम कर रहे हो, टारगेट जिसको तुमने बनाया वो कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन। ऑल द बेस्ट, टाइम वेस्ट बंद, पढ़ाई शुरू।